हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एजुकेटर्स। तो प्रीलिम्स क्विज जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें मैं आपके लिए जो अब क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वो सिक्योरिटी बेस्ड जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मेनली जो आपके क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। और दोस्तों, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स जो हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो ज्वाइन कर लेना। क्योंकि वीडियो बनने से पहले, वीडियो यूट्यूब पर आने से पहले, मैं आपको क्वेश्चंस की जो PDF फाइल है वो इन ग्रुप्स में भेज देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपको इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और बाद में रिवीजन के लिए भी आपके लिए इजी रहेगा। तो फटाफट से आप क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट बुदापेस्ट कन्वेंशन? नंबर वन, इट इज़ द ओनली मल्टीलेटरल ट्रीटी ऑन साइबर सिक्योरिटी। नंबर टू, इट इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू इट। ठीक है दोस्तों, तो जो अब आपकी बुदापेस्ट कन्वेंशन है, ये साइबर सिक्योरिटी के लिए एक कन्वेंशन साइन किया गया था, ठीक है। 2001 में ये कन्वेंशन साइन किया गया था, और ये अकेली एक ऐसी मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो साइबर सिक्योरिटी पर है, ठीक है। काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो आपकी जो स्टेटमेंट वन है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू इट, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है और काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ इस कन्वेंशन की सिग्नेटरी नहीं है। इन कंट्रीज़ का ये मानना है, इंक्लूडिंग इंडिया, कि इस कन्वेंशन की जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसको ड्राफ्ट किया है US जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, और उसमें उन्होंने बिल्कुल भी जो कंसर्न नहीं लिया है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ना ही उनको इन्वॉल्व किया गया था उन प्रोविजंस को फ्रेम करने में। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A1 ओनली। दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर दीजिए, अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के मेम्बर्स नहीं हैं और अगर आपके पास PDF फाइल नहीं है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, उसका आंसर लिखिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो प्ले कीजिए, आंसर चेक कीजिए और देखिए आपका आंसर गलत है या सही, और वीडियो के लास्ट में जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप अपने आप को स्कोर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ साइबर पुलिस स्टेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटका। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपने न्यूज़ इसको पढ़ा है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे, नहीं तो सिर्फ तुक्का लगाने वाली बात होगी। तो इसका आंसर है आपका सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट ने अपनी हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन बना दिया है, बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वट इज़ समाधान? ठीक है, इट इज़ अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नंबर वन। नंबर टू, इट इज़ टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स इन स्ट्रेस इन फॉरेन कंट्रीज। तो इनमें से आपको बताना है कि आपकी जो ट्रू स्टेटमेंट है वो क्या है, ठीक है। तो अब ये जो स्कीम है, समाधान स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर नहीं आती है। ये जो स्कीम आती है ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, और इस स्कीम को बनाया गया है टू काउंटर द नक्सल प्रॉब्लम, जो नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में उसको काउंटर करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाती है। जो ये समाधान है, ये एक्रोनिम है एक, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया है। तो समाधान में आपका जो S है, इट स्टैंड फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ठीक है। स्मार्ट लीडरशिप के अंदर ये बोला गया है कि जो स्टेट्स हैं उनको लीडरशिप रोल लेना पड़ेगा, उनको सेंटर का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन जो लीडरशिप रोल है वो स्टेट्स को लेना पड़ेगा। ए है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करने की ज़रूरत है नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए। एम इज़ फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो काउंटर नक्सलिज्म ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं उनको मोटिवेट और उनकी बेटर ट्रेनिंग के लिए काम किया जाएगा। ए एक्शनेबल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जाएगा। अभी हमारी इंटेलिजेंस जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो काफ़ी नक्सल अटैक्स हैं उनको हम अवॉइड नहीं कर पाते, उसको इम्प्रूव करा जाएगा। डी डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, KPIs होता है आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। तो जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको आपका इम्प्रूव करके एक डैशबोर्ड में डाल दिया जाएगा, आपको पता रहेगा कि हाँ आपके क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और आपको कैसे परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव करना है। एच इज़ फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। अभी क्या होता है कि लैंड माइंस हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारे काफ़ी फौजी लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ किया जाएगा। देन ए इज़ फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, ठीक है। प्रॉपर एक्शन प्लान्स बनाए जाएंगे जहाँ जहाँ पर नक्सलिज्म की प्रॉब्लम्स है, जिन जिन एरियाज़ में किस तरह की प्रॉब्लम है, किस लेवल की प्रॉब्लम है, क्या स्केल है प्रॉब्लम का, उसके हिसाब से एक्शन प्लान्स बनाए जाएंगे।
एंड लास्ट एन एन इज़ फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, ये देखा जाएगा कि जो नक्सल्स हैं उनको फाइनेंस जो अवेलेबल हो रहा है वो बिल्कुल ना हो, ठीक है। फाइनेंस नहीं अवेलेबल होगा तो वो एम्यूनेशन नहीं खरीद पाएंगे, लैंड माइन्स नहीं खरीद पाएंगे, जिससे जो है उनके ऑपरेशन में हिंड्रेंस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नंबर वन, इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी मैंडेटेड टू सेट ग्लोबल प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स विथ डायरेक्ट रेमिफिकेशन टू टेररिस्ट एक्ट। नंबर टू, इंडिया इज वन ऑफ इट्स फुल मेंबर्स। नंबर थ्री, इट्स मेंबर्स आर मेंबर कंट्रीज ऑफ G20 ओनली, ठीक है। तो जो पहली स्टेटमेंट है, जो आपकी ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसको 1989 में बनाया गया था। इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी और इसका जो मैंडेट था वो था टू सेट ग्लोबल प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो भी ग्लोबल प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स सेट करने का काम था वो इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दे दिया गया था। तो आपकी पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक है और इंडिया इसका फुल मेंबर है, ठीक है, इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर है, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। लेकिन जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज इट्स मेंबर्स आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ G20 ओनली। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें 33 नेशंस हैं जो इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं, जो G20 के अलावा भी जो अलग मेंबर्स हैं। तो ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो आपका जो आंसर बचता है वो बचता है C 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज ऑपरेशन चक्रव्यूह। ऑपरेशन ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ट्रेसिंग द एक्टिविटीज ऑफ यूथ इन टच विद IAS ऑपरेटिव ऑनलाइन। ए बी, अ काउंटर नक्सलिज्म ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज। सी, ट्रैकिंग द ब्लैक मनी इन इंडिया एंड अब्रॉड। डी, नन ऑफ द अबव। तो ऑपरेशन चक्रव्यूह जो है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑपरेशन है जिसमें वो जो यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है IAS और बाकी के टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो उन एक्टिविटीज़ को ट्रेस करेगा जो भी यूथ जो इंडिया से IAS या उनके ऑपरेटिव्स के साथ टच में हैं ऑनलाइन, तो उनको ट्रैक किया जाएगा और फर्दर फिर उनकी काउंसलिंग वगैरह के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सब्सक्राइब कर सकते हो आप, उससे आपको चैनल पे जो भी वीडियोस नहीं आएंगी उसके लिए अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।